दोस्तों आज की वीडियो में धमाकेदार टक्कर होने वाली है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और द हल्क ऑफ पाकिस्तान खान बाबा के बीच। अपने फेवरेट सुपरस्टार को वोट करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट करो रोमन रेंस अगर आपको रोमन रेंस को जिताना है या खान बाबा अगर आपको खान बाबा को जिताना है। और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चल पाए कि अगर रोमन रेंस और खान बाबा के बीच स्ट्रीट फाइट हुई तो कौन जीतेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें रोमन रेंस जिनका रियल नेम लिटी जोसेफ अनॉय है इनके 36 इयर्स से, वही खान बाबा जिनका रियल नेम अरबाब खिजर हयात खान है इनकी 29 इयर्स से। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि रोमन रेंस उनके करियर के शुरुआती दौर में अमेरिकन फुटबॉल में डिफेंस लाइन प्लेयर रह चुके जिसमें ताकत और टेक्निक दोनों का इस्तेमाल होता है और अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्डबर्ग। और रोमन रेंस का स्पीयर फुटबॉल टैकल से इंस्पायर है। जब रोमन रेंस फुटबॉल खेलते थे उस टाइम रोमन रेंस का वेट 130 किलो था, लेकिन रेसलिंग में आने के बाद रोमन रेंस ने उनका वेट लॉस करके 120 किलो कर लिया। वही खान बाबा का वेट 959 पाउंड यानी 435 किलो है और वेट रियल फाइट में बहुत कम आता है। और खान बाबा का कहना है कि उनकी ये बॉडी किसी बीमारी का साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि उनकी मॉन्स्टर डाइट का, जिसमें वो दिन के 10,000 कैलोरीज इंटेक करते है, इसका नतीजा है। इसके अलावा बात करें खान बाबा की स्ट्रेंथ की तो बाबा ये दावा करते हैं कि वो कार को इस तरह से उठा सकते हैं, यानी 700 किलो का वेट खान बाबा उठा सकते हैं। इसके अलावा खान बाबा का ये भी दावा है कि वो एक बड़ी ट्रक को उनके एक हाथ से रोक सकते हैं। एंड गाइस, किसी ट्रक को रोकने के लिए हाथों में बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, लेकिन क्या ये ताकत काफ़ी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फेस करने के लिए? अब खान बाबा अपने आप को वेट लिफ्टर समझते हैं और अगर हम खान बाबा की बॉडी को देखें तो देखकर ऐसा लगता है कि इस बंदे में थोड़ा बहुत तो दम होगा ही, लेकिन क्या वो दम काफ़ी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का सामना करने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बिग शॉट आउट टू मूसा भाई, ट्राइबल चीफ, शंकर गेमर, द केस रसल, किंग ऋषि, GW अभी, ब्लॉगर वर्ल्ड, हिमांशु YT एंड अभिषेक कुमार। सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो, बट आप सभी को बिग शॉट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। और खान बाबा ने द ग्रेट खली को चैलेंज भी दिया था, बट अगर उस चैलेंज को द ग्रेट खली के बजाय रोमन रेंस एक्सेप्ट कर ले तो इनके बीच जो युद्ध होगा वो बहुत ही धमाकेदार होगा। आप बात करें बॉडी मेजरमेंट के बारे में तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि रोमन रेंस का वेट 120 किलो है और उनके हाइट 6 फीट और 2 इंचेस है, वही खान बाबा का वेट 435 किलो है और उनके हाइट 6 फीट एंड 3 इंचेस है, यानी पूरी मॉन्स्टर फिजिक्स। अब मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि वेट रियल फाइट में बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन उस वेट का सही यूज़ करने के लिए मजबूत जिगरा चाहिए होता है। और पाकिस्तान के दूसरे रेसलर उस्मान बुलेट ने भी खान बाबा को चैलेंज किया था, लेकिन चैलेंज का जवाब देने के बजाय खान बाबा ने उस्मान बुलेट को इग्नोर कर दिया। अब यह बाबा का एटीट्यूड है कि वो ऐसे किसी से भी नहीं लड़ते, या कुछ और कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइस, खान बाबा को WWE चैंपियनशिप जीतनी है, सो अगर वो किसी तरह से WWE में आ जाते हैं और उनका सामना ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से हो जाता है तो क्या आप इस मैच के लिए एक्साइटेड हो और आपको क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बस आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना जिससे मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।